बिहार में बढ़ रहे अपराधों को लगाम लगाने के लिए अब पुलिस ने एक नया एक्शन लिया है। आज पूरे बिहार में पुलिस डीएम और एसपी के नेतृत्व में जेलों में छापेमारी कर रही है। कई जिलों से यह खबर आ रही है कि पुलिस जेलों में छापेमारी कर रही है, कैदियों के वार्ड खंगाले जा रहे हैं और कई सारे संदिग्ध वस्तु भी प्राप्त किए जा रहे हैं जो कि जेल में बैन है। बताया जा रहा था कि बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के तार कहीं ना कहीं जेल में बैठे जो बड़े अपराधी हैं उनसे भी जुड़ते नजर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अब ये एक्शन लिया है और पटना के बेऊर जेल समेत बिहार के अन्य जेलों में भी छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। बक्सर के सेंट्रल जेल और महिला जेल में भी छापेमारी चल रही है। वहीं बेगूसराय मंडल कारा में भी पुलिस बल पहुंचा है और भारी संख्या में अपराधियों के वार्ड्स खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ अररिया मंडल कारा में डीएमएसपी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भी छापेमारी की खबर आ रही है। सभी जिलों में डीएम और एसपी के नेतृत्व में इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। पूर्णिया के मंडल कारा में भी छापेमारी चल रही है। छपरा के मंडल कारा में भी छापेमारी की खबर आ रही है। बाढ़ के जेल में एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। वहीं कटिहार के जेलों में डीडीसी के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई चल रही है। पटना के बेऊर जेल में भी पुलिस छापेमारी कर रही है। मालूम हो कि पटना के बेऊर सेंट्रल जेल में कई बड़े अपराधी कैद हैं। पुलिस की टीम जेल के भीतर कैदियों के सेल को खंगाल रही है, सभी कैदियों की तलाशी ली जा रही है। उधर मिल रही जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान कुछ चीज़ें भी मिली हैं जो कि बैन है, जैसे कि मोबाइल फोन्स और कुछ अन्य चीज़ें भी मिली हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों के साथ एसडीओ और सिटी एसपी ने बेऊर जेल पर धावा बोला है। ऐसा माना जा रहा है कि जेल में मोबाइल फोन्स से ही राजधानी पटना में वारदातों को अंजाम दिया जाता था। फिलहाल पुलिस की टीम बेऊर जेल में छापेमारी कर रही है और आगे की जानकारी छापेमारी खत्म होने के बाद हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।